परवर्ती खबर को आसवा एनडीए सरकार को राफेल डील यूपीए ठारू 2.86% सस्ता। आज राज्यसभा उपस्थापित होता राफेल डील संपर्कित सीएजी रिपोर्ट रे एभली उल्लेख रही। राफेल क्रय एवं पूर्व डील संपर्क में रिपोर्ट रे विस्तृत तथ्य दि जाय। यूपीए सरकार अमल ठारू 9% सस्तार यह चुक्ति होता दावी करुले एनडीए सरकार, हेले ताहा मात्र 2.86% सस्ता बोली आज रिपोर्ट रे स्पष्ट होइछे। तबे सीएजी रिपोर्ट रे स्वच्छता नथिबा कही एहाकु बर्जन करिसेंती विरोधी। वर्तमान सीएजी थिबा राजीव मेहसी 2016 रे 36 जेट विमान किना जिबा बेले अर्थ सचिव थिबारु रिपोर्ट उपरे आपत्ति उठाइसेंती विरोधी। उनकी मंशा जो थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही बताया है। जब उन्होंने शील्ड कवर लेटर में अपनी इच्छा जाहिर करके सुप्रीम कोर्ट को बताया है और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कीमत में कोई घोटाला नहीं है, क्लीन चिट दिया गया, ऐसा उसी के आधार पे गया। यानी प्रिजुडिस है और पहले ही तय कर चुके हैं तो वो रिपोर्ट को कोई वैल्यू नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी को देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। उनको सिर्फ विदेश से आए हुए फर्जी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उन्हीं पर भरोसा रह गया है। सीएजी पर भरोसा है, उनको किसी पर भरोसा नहीं है। देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा। आज शेष होउछि 1600 लोकसभा कार्यकाल। आज गृह में विरोधी हट्टगोल करथिले, फल में दुई थर गृह मुलतवी होइथिला। सेपटे राज्यसभा को अनिर्दिष्ट काल पई स्थगित रखा जायछि। अन्यपटे आज गृह बाहर मोदी सरकार के विरोध में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस रणहुंकार। सीबीआई को नहीं केंद्र सरकार को मनमानी विरोध में पोस्टर धरी धारणा संघ को नाराबाजी देउछन्ति उभय दल। केंद्र सरकार गणतंत्र उपरे आक्रमण करुथिबा अभियोग करी टीएमसी सांसद माने कला पोशाक पिंधि धारणा देथिले। सेपटे कांग्रेस मध्य राफेल प्रसंग में मोदी सरकार के विरोध में गर्जिछि। धारणा रे यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस सभापति राहुल गांधी और पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत बहु सांसद सामिल होते। आज हम इसी के लिए इधर में आई हुई है कि आज लास्ट डे पार्लियामेंट है लोकसभा का, जो लोकतंत्र का। तो हम लोग चाहते हैं बापूजी का पास हम लोगों ने प्यार किया, जैसे बोलता है रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। तो इसी के लिए गांधी जी का पास हम लोगों ने प्रे किया कि बीजेपी को हटाइए, मोदी बाबू को हटाइए, देश को रक्षा कीजिए, देश को एकता को रक्षा कीजिए, देश को सबको रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देश को संदेश देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस देश के अंदर वायदा खिलाफी की है और बेईमानी से शासन चलाया है। राफेल का जो जहाज का खरीद का घोटाला है वो एक शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला है। रोज़ उसमें नई नई बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं संलिप्त रहे हैं, उनका हस्तक्षेप रहा है, देश को नुकसान हुआ है और सुरक्षा से समझौता हुआ है। अभी ये ममता बेनर्जी देखिए, उधर सीबीआई कोर्ट में जाना पड़ा अपना, उनके जो अकॉर्डिंग टू हर द बेस्ट ऑफिसर इन द वर्ल्ड, हाँ पुलिस ऑफिसर इन द वर्ल्ड। अब उनका खुद का एमपी जो है कुनाल घोष, उन्होंने कोलकाता उतर के क्या क्या चीज़ बोला कि मेरे जान को खतरे है। और ये भी आज पेपर में आया है बड़ा इंटरेस्टिंग बात कि राजीव कुमार जी होटल में बैठ के उन पुलिस ऑफिसर्स को फ़ोन किया जिनके बारे में कुनाल घोष ने कंप्लेन किया।